नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में आप रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस के बुक का हम रिव्यू करेंगे। इस बुक में दोस्तों क्लास 3 से लेके 5 पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया, 6 से 10 सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया मतलब सोशल साइंस, और 6 से 10 के विज्ञान को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस बुक में क्लास 3 से क्लास 10 तक के सिलेबस को कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। और ये दोस्तों बुक है बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों, चैप्टर वाइज इसमें सारे टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, इस बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो 395 एमआरपी, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। इस बुक का कोड 4709 है। ठीक है, इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 600 देखने को मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे तो ये बुक दोस्तों एनसीईआरटी किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। एनसीईआरटी एससीईआरटी के सिलेबस को कवर किया गया है, 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान और साइंस को कवर किया गया है। ठीक है, अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे 395 एमआरपी है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस, तो यहाँ पे क्लास 3 के सारे टॉपिक को कवर किया है जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6, क्लास 5 तक ही होगा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास, तो क्लास 6 हो गया, क्लास 6 हो गया एनसीईआरटी, फिर एससीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी अलग नहीं किया है, कॉमन हो सकता है। तो क्लास 6 से इतिहास में एनसीईआरटी एससीईआरटी फिर एनसीईआरटी फिर एससीईआरटी इस तरह से। उसके बाद क्लास 8 एनसीईआरटी एससीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल, 9 में एनसीईआरटी एससीईआरटी मिला दिया गया और 10 में एनसीईआरटी एससीईआरटी मिला दिया गया, मतलब सेम होगा। उसके बाद सिलेबस सेम होगा। उसके बाद भूगोल में उसी तरह से आपको क्लास 6 से एनसीईआरटी एससीईआरटी ऐसे करके क्लास 9 और 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया, उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था 9 और 10 में ही केवल है, और विज्ञान में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी। ठीक है ना, तो सारे टॉपिक को कवर किया गया इस बुक के अंदर और क्लास वाइज कवर किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा पर्यावरण के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो क्लास 3 अध्याय 1 डाल डाल पर ताल ताल पर, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे काफी अच्छे तरीके से, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरीके से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आजकल सारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सामने आपको आंसर की देखने को मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अध्याय 3 हो गया, इस तरह से काफी कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, सारे अध्याय को कवर किया गया है इस बुक के अंदर काफी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आंसर तो आपको दिया गया है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि किस तरह से आप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ दे दिया गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन भी साथ के साथ ही दिया गया है। क्या यहाँ पे देखिए, अध्याय 1 आंसर की, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट दिया गया है, जिससे आप ये मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार कर सके। तो किरण पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है दोस्तों होता है काफ़ी डिटेल में होता है और काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन होता है, साथ में ईजी सॉल्यूशन भी होता है। तो इस बुक को दोस्तों आप लीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक को जरूर लेना चाहिए। और साथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, ये साइंस वाला पोर्शन है, भोजन कहाँ से आता है आंसर की 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। जो जानवर केवल पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, उदाहरण के लिए बकरी, खरगोश, गाय आदि। जो जानवर केवल जानवर को खाते हैं उन्हें मांसाहारी। देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो बुक दोस्तों अच्छा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं इस बुक को। और एनसीईआरटी एससीईआरटी को इस बुक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर सकते हैं।
खान सर की कुछ और बुक को हम देख लेते हैं जो रिवीजन के लिए अच्छे हैं। अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, ये सभी एनसीईआरटी पे आधारित बुक है दोस्तों, इन्हें ले सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। इस बुक में जीके और जीएस को कवर किया गया है। साथ में साइंस के ये स्पेशल बुक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, सार संग्रह सारे एग्जाम के आते हैं तो इन्हें भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सभी बुक दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों एनसीईआरटी एक और बुक है दोस्तों, रेड एंड व्हाइट, व्हाइट एंड रेड बुक है एनसीईआरटी एमसीक्यू। क्लासिक्स से लेकर 12 तक के सिलेबस को कवर किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने इस बुक का रिव्यू किया हुआ है। सामाजिक सामान्य ज्ञान का बुक है दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित, इस बुक में जीके और जीएस को काफी अच्छे तरीके से कवर किया है। जीके का बुक है दोस्तों मानचित्र, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी को काफी अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान वन लाइनर अप्रोच बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, इसे भी ले सकते हैं, बुक अच्छा है। और कला संस्कृति काफी अच्छे अच्छे बुक आते हैं किरण पब्लिकेशन के, सामान्य हिंदी का ये बुक है, आप ले सकते हैं। जिस बुक को का रिव्यू आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट आप लोग कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू।